मिनी ऑक्शन में इन पांच खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगा सकती है चेन्नई सुपर किंग्स। पांचवा खिताब जीतने को तैयार है महेंद्र सिंह धोनी की टीम। जानेंगे क्या होगी मिनी ऑक्शन में टीम की स्ट्रेटजी। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 में कमबैक करते हुए खिताब जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। आप सभी चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर खास चेन्नई से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन 23 दिसंबर को कोची में किया जाएगा। आपको बता दें सभी टीमें रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने वाली हैं। 15 नवंबर डेडलाइन दे दी गई है। यहां पर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, जहां पर ये भी पता चलता है कि कौन सी टीम कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। यहां पर अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर करोड़ों की बोली लगा सकती है। यहां पर पहला नाम है सैम करण का। सैम करण पहले भी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं, हालांकि वो पिछले सीजन में आईपीएल का हिस्सा नहीं थे। हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2022 में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जीता। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस दिग्गज पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स भी पिछले सीजन में नहीं खेले थे, हालांकि वो इस सीजन में वापसी करने को तैयार हैं। महेंद्र सिंह धोनी की टीम बेन स्टोक्स को जरूर खरीदना चाहेगी। बेन स्टोक्स एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो न सिर्फ बल्लेबाजी में मजबूती देते हैं बल्कि गेंदबाजी से भी कमाल दिखा सकते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम है शाहरुख खान का। शाहरुख खान पिछले सीजन में पंजाब किंग्स का हिस्सा थे, हालांकि इस सीजन में पंजाब किंग्स की टीम उन्हें रिलीज कर सकती है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स इस खिलाड़ी को खरीदना चाहेगी। यहाँ पर चौथा नाम है मयंक अग्रवाल का। मयंक अग्रवाल भी पंजाब किंग्स का हिस्सा थे, पिछले सीजन में वो टीम के कप्तान भी रहे, हालांकि उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है। मयंक अग्रवाल मिनी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मयंक अग्रवाल को खरीद सकती है। यहाँ पर पांचवा नाम है कार्तिक त्यागी का। कार्तिक त्यागी एक बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित कर चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कार्तिक त्यागी पर करोड़ों की बोली लगाकर खरीद सकती है। आपके हिसाब से इन पांच खिलाड़ियों में से किसे चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होना चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।